कल से तो मैं खाना ही ना बनाऊं। अनन्या फोन छोड़, भाभी खाने पे ध्यान दे। और रक्षा, तुझे भी अभी टाइम मिला है होमवर्क करने के लिए, बंद कर इसे। और आप ऐसे हैं इसलिए ये दोनों ऐसी हैं। गौरी, एक 12 साल की लड़की गायब हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वही नहीं, मुझे कॉलेज का सिलेबस डाउनलोड करना है और अर्जेंटली कुछ ऑनलाइन बुक्स भी तो ऑर्डर करने हैं। और आई मैं तो अपने एक्स्ट्रा क्लासेस का होमवर्क ही तो कर रही थी। तो इस पूरे घर में मैं ही ऐसी अकेली हूँ जिसके पास खाने के वक्त करने के लिए कोई भी काम नहीं। एक काम करो गौरी, खाना कैसे बनाते हैं ये इंटरनेट पे देखो, मतलब टाइम पास भी हो जाएगा और खाना भी अच्छा बनेगा। बोलो खान, आया मैं। ओ, खाना छोड़ के मत जाए। इस घर में मेरी बात तो कोई भी नहीं सुनता। हाँ खान। हाँ सर। सर वो दिल्ली वाली केस की बच्ची है ना ईशा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। ये रुस्तम इधर आ। हाँ सलाम साहब। भरोसे वाला है? यस सर। बोल सर, एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी बच्ची का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उम्र क्या है? 10-12 की होगी। कौन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन? सर कोई मैडम है ऐसा सुनने में आया। और इन्फॉर्मेशन निकाल। जी सर। रुक। सर वो दिल्ली वाले केस की बच्ची होगी? तो बच्ची कोई भी होने दो खान, ढूंढना तो होगा, हमारा काम है। वो कंप्लेंट किसने की थी? मेघा देशपांडे। वो कब आ रही दिल्ली से? वो कल सुबह आ जाएगी मुंबई। कितनी क्यूट लग रही है ईशु। क्यूट तो मैं हूँ ही। ये स्कूल का नया ड्रेस मस्त सूट कर रहा है ना मुझ पे। मैडम जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी ईशु को बड़ी अच्छी अंग्रेजी स्कूल में दाखिला मिल गया। अरे इसमें शुक्रिया किस बात का, ईशु मेरी भी तो कुछ लगती है। ईशु मैडम जी को थैंक यू बोलो। थैंक यू आंटी। आंटी नहीं, मुझे भी आई बुलाया कर। लेकिन मेरी आई तो यही है ना। मैं आपको छोटी आई बुलाऊं तो चलेगा क्या? छोटी आई चलेगा। छोटी आई, छोटी आई। अच्छा सर, हम लोग यहाँ पे क्यों आए? वो दिल्ली वाली मैडम आ सकती थी ना स्टेशन। बड़े पति की बड़ी बीवी। मतलब इसके हस्बैंड इंडियन सीक्रेट सर्विसेज में, अपने डीसीपी साहब के दोस्त। लेकिन सर आप तो सीनियर है ना। एक्सक्यूज मी, मेधा बंसल जी से मिल रहे। आप कौन? मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील खेलकर। वो आपका इंतजार कर रहे हैं लॉन्ज एरिया में। थैंक यू। खान, वो खबरी वाली बात बोलना नहीं है? हाँ यस सर। हाँ नहीं सर। मिस्टर केलकर, थैंक यू सो मच। आई नो ये केस आपकी टीम पर इम्पोज किया गया है, पर डीसीपी सर ने आप ही का नाम लिया था। हाँ, डीसीपी सर का जैसे ही कॉल आया हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, क्योंकि केस कैसा भी हो क्राइम को सॉल्व करना हम लोगों का ही काम है। ये ईशा की माँ बेला, ये कब से काम करती है आपके घर में? पहले मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग मुंबई में ही थी, तो बेला हमारे यहाँ 7 साल से काम कर रही थी। फिर लास्ट ईयर जब नितिन का ट्रांसफर दिल्ली हो गया तो मैं बेला और ईशा दोनों को अपने साथ ही ले गई। फिर वो लोग 15 दिन की छुट्टी लेकर मुंबई आए थे किसी की शादी में। फिर
ईशा की स्कूल स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने उनकी फ्लाइट की टिकट्स करवा दी। नौकरानी और उसकी बेटी की फ्लाइट टिकट्स? जी वो हमारा कोई बच्चा नहीं है तो मैं ईशा के बहुत क्लोज हो गई थी और ईशा कभी प्लेन में नहीं बैठी थी तो मेरे बर्थडे में आपने बोला था कि मुझे स्कूटी लाके दोगे। हाँ पर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया ना, इंश्योरेंस तुझे हटी जाए ना क्या? मुझे आपका इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे स्कूटी चाहिए, मेरे सारे दोस्तों के पास है। अरे महिता चांगली गोष्ट है, तू किसी से भी लीव ले सकती है। तू एक काम कर, ये दवाई लेके आ और मैं वहां जाके सब्जी लेके आता हूँ, जा 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 पटकन। एक नंबर सा कंजूस मानुस। लो भैया ये दे दो। एक मिनट देखना, मैं अभी आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? इतनी सुंदर है तू, हाँ तो भी अपने बाप के सामने स्कूटर की भीख मांग रही थी। What? देख मेरे लिए काम करेगी ना तो स्कूटर नहीं कार ले लेगी 3 महीने में। काम क्या है? काम नहीं दाम पूछ। 25,000, वो भी एक टाइम का। सोच 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 के आराम से बता दियो और जब मन हो। तो इस नंबर पे कॉल कर लियो, मुझे पता चल जाएगा। आपका पेन। ये बेला और ईशा 13 जनवरी को मुंबई में आए और 27 जनवरी को उनकी दिल्ली की वापसी की टिकट थी और 25 तारीख को उनकी बेला से बात हुई फोन पे और उस टाइम से ये बेला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब ऐसा करो कि ये बेला का CDR रिपोर्ट निकालो और पता करो वो किस किस से बात करती थी और उसका मोबाइल लोकेशन निकाल के ये पता करो जहाँ उसका मोबाइल स्विच ऑफ हुआ उस जगह से कोई लड़की किडनैप हुई है क्या। और हमें एक लीड मिली है, सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट में एक 12 साल की बच्ची अपर सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो भी एक हफ्ते से। शायद कोई मैडम काम कर रही है। सर ऐसी 4 मैडम हैं जो मुंबई में काम कर रही है, एंजल रोजी, शबनम आपा, पिंकी जयते और जुगनी जान, और इन चारों की पहचान बहुत ऊपर तक है सर, इसीलिए इनको आज तक कोई हाथ नहीं लगा पाया। फोकस करो इन पे। आई, आई बहुत दर्द हो रहा है। आ गई इशू बेटा, मैं ये देख गरम पानी लेके आ गई। अभी औषध लिया ना और इससे सेकेगी तो नींद अच्छी ले आएगी। आई छोटी आई को फोन लगा के दो ना, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं लगा सकती। अरे वो मेरा फोन चोरी हो गया ना इसलिए नहीं लगा सकती। तू अभी बात मत कर, सो जा। मेरी अच्छी बच्ची, आप मुझे स्कूटी नहीं दिला रही है, कंफर्म है ना? हाँ बेटा अगले साल देखेंगे। ठीक है मैं पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। पिज्जा महंगा पड़ता है, चाइनीज ऑर्डर कर लेते हैं। अरे क्यों बेटा, मैंने खिचड़ी बनाई है, आचार भी है, बहुत हुआ। पापा आपने स्कूटी के लिए मना किया ठीक है, अब आप खाने में भी कंजूसी दिखा रहे हो। बेटा इसे कंजूसी नहीं सेविंग्स कहते हैं। देखो आगे जाके अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सेविंग ही तुम्हारे काम आएंगे ना बेटा। आप रख लो अपनी सेविंग, मुझे नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए आपकी खिचड़ी और अचार, आप खा लीजिए। अरे रुई, इंश्योरेंस, खिचड़ी और अचार, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हेलो ए, 0451 का रेंट क्या है? 45,000 प्लस PST। व्हाट? ये PST क्या है? प्रोडक्शन एंड सेफ्टी टैक्स 10%।
हाँ बोल। 1045 न्यू, 6 घंटा। भेजती हूँ। हाय मेरी बच्ची। अच्छा सुन, तेरा नंबर लग गया है। हाँ सो सर, बेला ने इस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे, बंडू खोटे। और सर पिछले संडे को इन दोनों का टावर लोकेशन भी सेम था। मतलब ये दोनों मिले थे। गणेश बाबू ना, इस नंबर के उस वक्त के लोकेशन के आसपास जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज निकाल के साइबर बाबू को देना। ओके सर। या नंबर बता। हेलो बंडू खोटे। हाँ बंडू खोटे बोलते है, स्वतः बोला। बेला मात्रे को जानता है क्या? आप कौन बोल रहे हैं साहब? अरे ये बता नहीं भूल गए ना मैं, पीआई खान, मुंबई पुलिस। बेला मात्रे जानता है ना तू? अरे उसने 9 दिन में तुझे 61 कॉल किए है। आप पागल औरत है साहब बेला, वो उसको मुंबई में काम चाहिए था ना। काम दिला? नहीं साहब, वो मेरा शादी है ना। अभी किधर है बेला मात्रे? अभी गई ना साहब, वो दिल्ली गई। ये तू पर्सनली मिला था ना उसे? नहीं नहीं साहब, मिला नहीं कभी मैं उसे। नहीं ठीक है ठीक। ये खोटे, खोटा ही बोला। अरे रुई बेटा। हाँ पापा। बाहर जा रही हो? हाँ पापा, वो शीतल का बर्थडे है तो। अच्छा अच्छा, कब तक लौटोगी? 6 घंटे में आ जाऊंगी पापा, मतलब 12 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है, संभल के जाना। रूही कम। ये बेला दिल्ली वापस नहीं जाना चाहती थी शायद, इसलिए उसने फोन बंद करके रख दिया ताकि मेघा और उसका हस्बैंड उस तक ना पहुंचे। सर मुझे लगता है ये दिल्ली वाली का कोई इशू है। कौन अपने मेड की बेटी को ढूंढने के लिए दिल्ली से मुंबई आएगा? सर कई ये लोग ईशा को बेला से छीनना तो नहीं चाह रहे थे? सुनील जी, अरे ये किसी ने ईशा को यहाँ मुंबई में देखा है। आपको कैसे पता? मैंने बेला और ईशा के मिसिंग का सोशल मीडिया पोस्ट बनाया था, तो कल रात वाया वाया मुझे मैसेजेस आए, उसमें ये वीडियो था। ये अपने खबरियों को दे देना और पता लगाओ इस आदमी को किसी ने देखा है क्या। मेघा जी, आप किसी बंडू खोटे को जानती? हाँ, वो तो हमारा ड्राइवर था जब हम यहाँ मुंबई में थे, और ये बेला और उसका अफेयर भी था उस वक्त, लेकिन हमारे दिल्ली जाने से पहले उनका ब्रेकअप हो गया था। ये चक्कर है। ईशु बेटा ऐसा नहीं करते। सुन नहीं, अगर आपने मुझे फिर से भेजा ना तो मैं फिर से उन्हें काटूंगी। ईशु आई आई, तूने तो बोला था तेरा फोन चोरी हो गया है ना? ये नया है। हेलो, बाहर एक बक्सा पड़ा है, उसमें दवा है, बच्ची को दे देना ताकि कल रात जैसा नाटक ना करे। ईशु बेटा तू ना झट से ये ले ले।
ये क्या है? ये दवाई है, तेरा पेट दर्द कर रहा है ना, तू दवाई लेगी तो ठीक हो जाएगा, ले। ये पीऊंगी, तू मुझे रात में नहीं भेजेगी ना? ठीक है, नहीं भेजूंगी, तू ले। सर वो वीडियो आपने भेजा था, उसमें उस लड़की के साथ बिट्टू है। बिट्टू? जी सर, ये जुगनी जान का आदमी है। ये जुगनी जान मुंबई में जो चार बड़ी सप्लायर्स है उसमें से एक, ये उसका बड़ा भाई मनोज, ये बिट्टू और ये कासिम, ये दोनों उसके फंटर हैं। हमें जो वीडियो मिली उसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये ईशा जिंदा है, ये उसकी माँ कहाँ है, और अगर ईशा जुगनी के पास है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी हालत क्या हो रही होगी। हर्षा, साइबर बाबू, गणेश बाबू, मुझे किसी भी हालत में ये जुगनी जान, इसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ जाननी है। काम पे लोग। सर, बंडू बेला को जिस जगह पे मिला था उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज मिली है। देखो, अबे मोबाइल छोड़, वीडियो दिखा। ये देखे, ये दोनों झगड़ रहे। जूम कर, गाड़ी के पास जूम कर। पर ये तो जुगनी जान है, मतलब ये वहां थी, लेकिन कैसे? सर, बंडू को लेके आए। जानता है ना तू बेला, इसे झगड़ा भी होता तेरा, झूठ क्यों बोला? तेरा अफेयर चल रहा था ना उसके साथ। हाँ साहब, था थोड़ा अफेयर, थोड़ा अगर अच्छा है। मतलब चल रहा था अच्छा खासा, पर वो बाद में दिल्ली चली गई ना, और मेरा इधर लेकिन फिक्स हो गया। उसको ये बात समझे तो झगड़ा करने लगी मेरे से, यार बंडू शादी कर। अभी उसकी बच्ची है साहब छोटी, एक बच्ची के माँ के साथ मैं कैसे शादी करेगा ना, अच्छा नहीं लगता। क्यों, अफेयर करने के लिए तेरे को बच्ची की माँ चलती है? हाँ हलकट, इसी वजह से झगड़ा हो गया साहब हमारा, फिर निकल गया मैं वहां से। किधर, मर्डर का प्लान बनाने के लिए? अरे नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो, और उसके तीन दिन बाद तो हल्दी था मेरा, हमारे उधर शादी के एक दिन पहले हल्दी होता है। मैंने सच में कुछ नहीं किया। फोटो दाखो ना, इसको जानता है? ये तो वही आइटम है साहब। आइटम? वही औरत है साहब, उस दिन बेला से झगड़ा करके निकला मैं, तो बेला इससे ही बात कर रही थी। ये ले, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेती आई हो। मैं गाड़ी में आके बैठा, स्टार्टर मारा, रिवर्स लिया गाड़ी, तब तक ये लोग बात कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज, एक्टर शीना सेन एक रेड में दो बिजनेसमैन के साथ पकड़ी गई। शीना सेन को वन हिट वंडर। और भैया कैसा लगा मेरा पैतरा? ओ मेरी प्यारी प्यारी बहना, तुसी ग्रेट हो। पता है मुझे। ओए, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक दिन तू भी ऐसे ही जेल जाएगी। अरे यार कासिम, ये बुढ़ाऊ का जरा जू चौपाटी छोड़ा, जब भी मुंह खोलता है आग ही उगलता है। तेरे कर्म भी बुरे जुगनी, और तेरा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। अबे लेके जा इसको, साला मेरा ही खाता है और मेरा ही बुरा चाहता है। पक, कांता देख कौन है। जी किससे मिलना आपको? हमें पता है हमें किससे मिलना है। जुगनी जान, शक्ल से तो पुलिस वाले लगते हो। देखो भाई, इससे पहले तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट करो, मैं पहले ही बता दूं, अब से पहले तुम जैसे दो दर्जन पुलिस वाले यहां आ चुके हैं, और 70 से ज्यादा मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो चुके हैं। जुगनी ने ना तो कोई गलत काम किया है और ना कोई गलत काम करती है। जुगनी खुली किताब है भाई। तेरे आदमी को इस बच्ची के साथ देखा गया है। आप करके बात कर और तमीज में रह ले। और क्या मेरा आदमी? मेरा आदमी? हाँ, अबे मेरा आदमी 3 साल पहले ही मर चुका है। देख, ना तो मेरा कोई आदमी था और ना मैंने किसी की बच्ची को देखा। अब ऐसा है, निकल लो, चलो। एक मिनट, जिस मार्केट में तुम थी उसी मार्केट से ये बेटी और माँ दोनों गायब हुए,
और गायब होने से पहले तुम्हारे साथ उनकी बात हुई थी, तो उसी सिलसिले में बातचीत करनी है। चला क्यों नहीं? एक मिनट, वो तो मैं नहीं जाऊंगी। अरेस्ट वारंट लेके आए हो तो ले जाओ, फिर ले जाओ, कर लो अरेस्ट। हाँ, वैसे तुम दोनों की शक्लों से साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों अरेस्ट वारंट नहीं लेके आए, तो फिर ऐसा है निकल लो, दरवाजा तो पता ही होगा किधर है ना? ओए ऑफिसर, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखियो, मुंबई के 10 बड़े लॉयर को ना मैं अपने यहां लेके घूमती हूँ, यहां, समझा? समझा, नेक्स्ट टाइम आऊंगा, जरूर आऊंगा, अरेस्ट वारंट और सबूत दोनों साथ लेके आऊंगा, और तब देखता हूं तुम्हारे 10 लॉयर तुम्हारे लिए क्या करते। चल। आज पेमेंट का दिन था, ये सब क्या है रूही? ये इतने गहने, ये इतने पैसे कहां से सब आ रहे? कभी भी बाहर चली जाती हो बहाना बना के, फिर कोई लड़का तुम्हें सोसाइटी के सामने छोड़ के चला जाता है, ये सब क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है पापा, और ये सब मेरी कमाई के हैं। मैं एक इवेंट में काम कर रही हूँ और लड़का मुझे सिर्फ सेफ्टी के लिए छोड़ने आता है। आपको रात में ही बकवास करना है क्या? मुझे नींद आ रही है। क्या बेवकूफ समझिए मुझे पापा? मुझे समझ नहीं आता, हर सैटरडे संडे रात को बाहर जाकर क्या करती है? इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाती? पापा क्या करें पापा? अरे कंफर्म है ना न्यूज़? यस सर। कोई गलती नहीं हो गई? नहीं। इधर ही रुको। सर। ए हीरो दे मोबाइल, चल चल बाहर, चल चल चल, चल। ए हीरो चल चल बाहर, चल जा अंदर, जा जा देख। ऐसा मारूंगा ना कपड़ा पहनने के लायक नहीं रहोगे। सर आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ भी कर सकता हूं मैं, अभी वारंट भी है मेरे पास। मनोज क्या? अरे कैटलॉग ही लेके गए ना, लड़की थोड़ा लेके गए हैं। आधे से ज्यादा पुलिस स्टेशन जानते हैं अपने को, कुछ नहीं होगा, ठंड रख। और क्या क्या मिला? सर ये रजिस्टर मिला है, इनवॉइसेस और कुछ कैटलॉग्स है। इस नोटबुक में कुछ बुकिंग जैसा लिखा है, 1402 मोंटी पिकअप 0451 5 PM ड्रॉप बहार होटल पिकअप बैक 9 PM। ये ऐसे कैसे नंबर से? सर ये तो सीरीज है 12, 13, 14, इसका मतलब ये तारीख हो सकती है, और 02 यानी दूसरा महीना यानी फरवरी,
यानी 1402 मतलब 14 फरवरी मतलब आज। अर्षा वो कैटलॉग लाने दे। हाँ सर। 4505 क्या हो सकता है? ये नंबर्स 0451 इसका मतलब ये मॉन्टी इस लड़की को पिकअप करने वाला है 5 बजे आज। हाँ सर। तुम्हें पता है ना क्या करना है? सर सर वो 0451 वाली लड़की के घर का लोकेशन भेजा आपको मैंने सर वो गार्ड को फोटो दिखा के प्लीज़ पता कर लीजिए ना फ्लैट नंबर मैं पीछा कर रहा हूँ सर ईशा बेटा ईशु बेटा साहब ईशु भाग गई। ये देखिए सर सर मैं एक शिक्षक हूं लेकिन मेरी औकात से ज्यादा सामान है मेरी बेटी के पास मेरी पूरे महीने की सैलरी जितना कैश लाती है ये देखिए मैंने उससे पूछा रोका लेकिन वो नहीं मानी सर मानेगी जरूर मानेगी आपको ऐसा कुछ करना होगा जिससे रूही कोऑपरेट करे हाँ पापा रूही पुलिस ने मुझे सब बता दिया है तू क्या करती क्या हुआ पापा अब और सहन नहीं कर सकता तू अत्ता घरी है नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा और सुसाइड नोट में तेरा नाम लिख के जाऊंगा नहीं नहीं पापा नहीं पापा पापा सर ऐसे तो वो भाग जाएगी आज मेरी परवरिश की भी परीक्षा है आज अगर वो नहीं आई तो मेरे जीने का क्या फायदा हेलो हाँ सर गाड़ी ने यूटर्न मारा है ओके सर ओके पापा पापा कौन है ये लोग मुंबई पुलिस पापा आपने बुलाया इन्हें वैसी बात नहीं और बैठो देखो रुई ये सब कुछ तुम जो कर रही हो ये तुम्हारी मर्जी से कर रही हो अब क्यों कर रही हो तुम्हें पता
फोटो दाखवा दिला। ये ईशा सिर्फ 12 साल की लड़की है और जुगनी इससे जबरदस्ती ये सब कुछ करवा रही है। अगर तुम हमारी मदद करोगी तो इसे हम बचा पाएंगे। मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन ना तूने अपनी सोची ना मेरी सोची। कम से कम इस बच्ची को तो बचा ले। देखो रूही, तुम समझदार हो, तुम समझ सकती हो कि इस छोटी सी बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे, अगर तुम मदद करोगी तो ये लड़की बचेगी। करोगी ना हमारी मदद? जुगनी आने जाने वाली जो भी अच्छी लड़की को देखती थी वो उसे रिक्रूट करने की कोशिश करती है, फिर उसके बाद फोटो शूट होता है। उसके बुटीक में कैटलॉग में रेट के हिसाब से लड़कियों की फोटोज लगाई जाती है। उसके बाद का अरेंजमेंट जैसे कार, होटल, ये सब उसके लोग देखते हैं। हफ्ते का जो भी पैसा होता है उसमें जुगनी की कमीशन कट के हमारे पास आ जाता है। और अगर कोई लड़की इस दलदल से निकलना चाहे तो? जुगनी जितनी स्मार्ट है ना, उससे ज्यादा डेंजरस है। मैंने कोशिश की थी इस काम से बाहर आने की। प्लीज आप मुझे जाने दीजिए। बिट्टू कपड़े उतार इसके। नहीं, चल। फिर से मुझे छोड़ के जाने की बात की ना तो ये फोटोज पहले जाएंगी तेरे बाप के पास और फिर पूरी दुनिया के पास। सर रूही के बयान पर हम जुगनी को उठा सकते हैं ना? नहीं सर, लेकिन उसको तो एक घंटे में बेल मिल जाएगी, फिर वो रूही की फोटो वायरल कर देगी। सर उस बेचारे की जिंदगी तो नरक से बदतर हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो हमसे बचने के लिए ईशा का मर्डर भी कर सकती है। उसके खिलाफ हमें ऐसा पुख्ता सबूत ढूंढना होगा जिससे दुनिया की कोई कोर्ट उसको बेल नहीं देगी। क्या हुआ पापा, बड़ा प्यार आ रहा है? अपने बच्चे पे प्यार नहीं आएगा तो किस पे आएगा? आपको किसी बच्चे का केस आया ना? बहुत स्मार्ट बनती है तू आजकल। बाय, गुड नाइट। छोड़ दे बेटा, मत कर अपनी जिंदगी पर बात। बेटा पैसा इज्जत से बड़ा नहीं होता। आपके पास इज्जत है, पैसा नहीं, तो कौन सी आपकी जिंदगी आबाद है पापा? तो मेरा अपना खून है, आप मेरे कुछ किया है। फॉरेंसिक टीम को बुला। इसने आपकी मदद की इसलिए मार दी गई। वो जैसी भी थी मेरी बेटी थी, लेकिन जिंदा तो थी। उस जुगनी ने मरवा दिया इसे। असल हिम्मत तर तिला अटक करून दाखवा। है हिम्मत? है हिम्मत तो उसे अरेस्ट करके दिखाइए। सर रूही का फ्लैट पूरा क्लीन है, एक भी आउटसाइड फिंगरप्रिंट नहीं है।
किसी ने प्लानिंग के साथ मर्डर किया है। परमेश्वरा तेरे मार्ग दाखिल होगा। बोल रहे साइबर बाबू। सर मैं कासिम का फोन ट्रेस कर रहा था। वो लगातार एक नंबर को कॉल करता था हर तीसरे दिन। किसका नंबर है? सर वो नंबर रमा जगताप के नाम रजिस्टर्ड है। सर रमा जगताप मतलब बेला की दोस्त जिसकी बेटी की शादी के लिए वो दिल्ली से आई थी। अच्छा बहुत जल्दी सुन ली तूने। थैंक यू। तुम्हारा समझ में आया? ये जगताप मैडम ने अपने नाम पे मोबाइल लेके बेला को यूज करने दिया था। ए साइबर बाबू मोबाइल लोकेशन निकालो और संग्राम को भेज दे जल्दी। ओके सर। आप कौन? मुंबई पुलिस। अगर तू मर्द होती ना ऐसा मारता ना तेरे को। खुद के बेटी को बेच दिया पैसों के लिए। अरे तेरे पास तो काम था ना साहब। वो बंडू के प्यार के लिए किया। मैं प्यार करती हूँ ना तुझसे। अरे क्या चढ़ा लूँ क्या तेरे प्यार का? वो लड़की का बाप मेरे को 5 लाख रुपए दे रहा है दहेज में। बंडू मैं खुद को बेच दूंगी पर तुझे जितना चाहिए उतना पैसा दूंगी। चुप बैठ। मेरे को तेरे से शादी नहीं करनी है समझ ली। बंडू सुन तो मेरी बात। अरे तो खुद को बेच दी ना। हर्षा क्या चल रहा है? ईशा की जान खतरे में। एक लड़की का मर्डर हुआ है। सॉरी सर। ईशा कहाँ है? सर नहीं पता भाग गई वो। सच्ची भाग गई। एक बात बता उस दिन मार्केट में जुगनी मिली उसी दिन ईशा की डील हुई ना? और बेटा आइसक्रीम खाएगी ये ले और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेती आई हो। थैंक यू आंटी। रुति काहे को है रे? वो भी ऐसे आदमी के लिए। देख मेरे लिए काम करेगी ना तो इतना पैसा कमाएगी कि वो अपनी बीवी को छोड़ के तेरे पास वापस आ जाएगा। साहब उसका आदमी हर तीसरी रात आता और ईशा को ले जाता। ये तीनों में से कौन था? तीनों में से कोई एक आके ले जाता। सर अरे यहाँ आके बात करना रे। सर इनके मोबाइल के डायल लिस्ट में मेघा जी का नंबर है पर उन्होंने फोन नहीं उठाया था। तूने मेघा देशपांडे को फोन किया था? नहीं साहब मैंने कोई फोन नहीं किया। सच्ची बोल रही हूँ नहीं फोन किया मैंने। ईशा हाँ मिस्टर केलकर। हेलो मेघा जी। ईशा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर दी आपने कॉल क्यों नहीं उठाया? व्हाट कब? एक काम कीजिए पिछले 4 दिनों में आपको जितने भी मिस कॉल आए सबका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। अभी भेजती हूँ। मेघा जी को पिछले 4 दिनों से जितने भी मिस कॉल आए वो सबका स्क्रीनशॉट भेजेगी। कॉन्टेक्ट करो क्योंकि मुझे लग रहा है ईशा उनको फिर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। ओके सर। साइबर बाबू रूही के घर के बाहर का CCTV फुटेज कलेक्ट करो। जाओ हर्षा गणेश भाऊ संग्राम ये मनोज बिट्टू और कासिम जहां भी है उठाओ उनको। यस सर। हेलो। हाँ सर। सर मैं अभी एक मोबाइल शॉप के बाहर ही हूँ और उसके ओनर का कहना है कि ईशा ने उसके फोन से मेघा जी को कॉल करने की कोशिश की थी उसने फोन नहीं उठाया और उसके बाद ओनर ने कहा कि पुलिस के पास चलते तो वो भाग गए। खान ईशा छोटी बच्ची है डरी हुई है। मेरा ऐसा अंदाजा है कि 3 किलोमीटर के बाहर नहीं गई होगी वो। उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। काम करो CCTV फुटेज कलेक्ट करो आसपास के एरिया में चेक करो। किसी दूसरे बुरे हाथों में लगने से पहले हमें उस तक पहुंचना होगा। सर ये कैप पहने हुए बंदे की तरफ देखिए। सर ये रूही के बिल्डिंग में गया इसके हाथ में एक बैग है। सर 10 मिनट बाद जब ये बाहर निकला तब ये बैग देखिए। पॉज कर जूम कर। ये तो PPE किट है। इसका चेहरा दिख रहा है कहीं? हाँ सर अगले CCTV फुटेज में दिख रहा है। ईशा
ईशा। सर मर्डर इसी ने किया है। अच्छा अरे केलकर साहब मरने का इतना ही शौक है तुम उससे शादी कर लेते। तीन तीन पतियों को खा चुकी हूँ एक आध साल में आप भी निपट ही लेते। हर्षा सब चक्काना खाली आवाज खड़ चिरी तो कोई नहीं उठाएगा आज फोन। ये पॉस्को का केस है इस केस में सब लोग हाथ खींच लेते हैं। हमें ईशा मिल गई है और उसने सब कुछ सच सच बता दिया है। आज तेरा कन्फेशन नहीं भी मिला तो भी चलेगा क्योंकि तेरे खिलाफ बहुत सबूत है मेरे पास। प्रॉमिस देता हूं मैं तेरे को तू जिंदगी भर बाहर की हवा नहीं खाएगी। और सर रूही का मर्डर भी तो इसी के सर है। ए, उसको मैंने नहीं मारा। वो पता है हमें उसको किसने मारा ये भी मालूम है हमको। चल तेरा हुक्का पानी अब जेल के अंदर। हर्षा अरे क्यों मार रहे हो उसको सबूत है ना अपने पास। सर गुस्सा निकल रही है। किसका? हलकट का। ए चल बता क्यों मारा। अब बोल मत मैंने नहीं मारा समझा। ले सबूत। तेरे को क्या लगा ये पीपी किट बचाएगा तेरे को? बोल क्यों मारा बोलना। सर जब मैं रूही को उसके घर छोड़कर दोबारा वापस लेने के लिए आया तो उसकी बिल्डिंग से आपको निकलते हुए देखा फिर मैं समझ गया या तो उसने सब कुछ बक दिया है या वो बकने वाली है और फिर कोर्ट में जुगनी के खिलाफ बोल देगी इसलिए जुगनी को बचाने के लिए उसको मारना जरूरी था। अब तू और तेरी बहन जुगनी भगवान भी आया ना नीचे तो भी कोई नहीं बचा सकेगा। आजकल बहुत अत्याचार हो रहा है ना महिलाओं पे। यस सर। धो उसको। हलकट। ये लो। ले लो बेटा। मेघा जी इसको प्यार की बहुत जरूरत है और इस ट्रॉमा से निकालना आपकी जिम्मेदारी है। यस सुनील जी आई बी द बेस्ट मदर फॉर हर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। बाय। सर इस केस के लिए हमें मेडल मिलना चाहिए। खान ये लड़की हमें इतनी दुआएं देने वाली है कि उसके सामने मेडल की कोई कीमत नहीं। सही है सर। चलो नेक्स्ट केस राह देख रही है। टोपी नीट कर रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।